फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है एक गिलास गर्म पानी के साथ और यहाँ पे टहलते हुए हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं मौसम कैसा लग रहा है, तो हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। बाहर एक गिलास गर्म पानी लिया है, हमने सोचा चलो पानी पीते पीते टहलते हैं और गिलास से भाप बाहर आ रही है, आपको दिख ही रहा होगा। बस पानी ख़त्म करके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में ना दिन छोटे होते हैं, काम बड़े होते हैं और आज बड़ा काम करना भी है। और बच्चों की आज है छुट्टी, तो बच्चे आराम से ही उठेंगे, यानी आज उन लोगों की छुट्टी है और छुट्टी के दिन बच्चों को देर से ही उठने देते हैं ताकि अपने मन से अपने उठें और अपना जो कुछ करना हो करें। बाकी के दिनों में तो छुट्टी नहीं रहती है, तो उनको जल्दी जल्दी उठना रहता है, स्कूल भागना पड़ता है, लेकिन छुट्टी के दिन आराम से करते हैं। और हमारा झाड़ू हो चुका है, अब किचन का थोड़ा सा काम निपटाएंगे, उसके बाद फिर स्नान करने जाएंगे। यहाँ पे चने को हमने सोक करने के लिए रख दिया था, 500 ग्राम चना है, इसको रात भर ओवरनाइट सोक किया है, बस इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। और 4-5 आलू ले लिया है आज जो है ना इसमें डालने के लिए, क्योंकि छोले में जब तक मेरे आलू ना पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगता और गाढ़ापन भी नहीं आता है। तो गैस जला के इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे, 3-4 सीटी में चने बॉयल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे भटूरे के लिए आटा लगा देते हैं, 500 ग्राम मैदा लिया है, इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच दही, खट्टी दही है, 1 चम्मच हमने चीनी लिया है और इसमें 4-5 चम्मच सूजी डालेंगे। आप 2 चम्मच भी सूजी डाल सकती हैं, लेकिन हमने 4 चम्मच सूजी डाला है, 1 इनो का पैकेट डाला है, पूरा डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी से गूंथ के इसको 4-5 घंटे फर्मेंटेशन के लिए लगता है, क्योंकि ठंड के मौसम में ना जल्दी फर्मेंट नहीं होता, ठंडी होती है, इसको 6-7 घंटे भी चाहिए होता है, लेकिन 4-5 घंटे में भी तैयार हो जाता है। गर्मी के मौसम में तो 2 ही घंटे में फर्मेंट हो जाता है अच्छे से। तो बस आटा हमने गूंथ लिया है, यानी भटूरे का आटा गूंथ लिया है, बस इसको डब्बे में रख के और थोड़ी देर इसको धूप में रख देंगे, 2-3 घंटे में तैयार हो जाएगा। और उसके बाद स्नान हो चुका था, मुझे जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाना था, क्योंकि बच्चों का खाना टाइम से तैयार करके देना था और मुझे दही भल्ले भी बनाने थे। तो मैं सोच रही थी दही भल्ले बाद में बनाऊंगी, पहले छोले भटूरे बना देती हूँ, बच्चे खा लेंगे, दही भल्ले बाद में खा लेंगे। लेकिन फिर हमने सोचा चलो साथ में ही सब करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कर पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले चॉपर में छोले की तैयारी कर रहे हैं, प्याज अदरक हरी मिर्ची लहसुन को चॉप करेंगे तड़का लगाने के लिए। तो चॉपर बहुत अच्छा है, बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। और यहाँ पे ग्राइंडर में हरी धनिया की पत्ती, मिर्ची और पुदीने की पत्ती, यानी भल्ले में डालने के लिए हरी चटनी जो होती है उसको तैयार कर रहे हैं और सारी तैयारी कर रहे हैं फटाफट से, आप देख सकते हैं। और दूसरे में हम दाल को अच्छे से धुल लिया था, सोख किया था और दूसरे जार में दाल को भर दे रहे हैं। दाल हमने लिया है ना, मूँग की दाल होती है और दही भल्ले उड़द की दाल से बनती है, उसको रात भर सोख कर लिया है। फटाफट से मिक्सी का जार निकाला है और एक तरफ पहले हम दाल को पीस लेंगे और उसके बाद चटनी को पीस लेंगे। और दही भल्ले के दाल जो हमने अच्छे से पीस लिया है, इसको फेंटना शुरू करेंगे। पहले हमने सोच रहे थे ना कि बाद में बनाएंगे, लेकिन हमने सोचा चलो साथ में लेके चलते हैं, हो सकता है बन जाए टाइम से, और आप कोशिश करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। तो कोशिश हमने की जल्दी जल्दी बनाने की और कामयाब भी हो गए, टाइम से सबको खाना भी मिल गया और मेरा साथ साथ में दही भल्ला तैयार हो चुका था। दाल को 10 मिनट फेंटेंगे, 10 मिनट से कम नहीं फेंटेंगे, बल्कि ज़्यादा ज़रूर फेंट देंगे। और उधर हमने तेल चढ़ा रखा था, बस दाल को जो हमने क्या कहते हैं भाई, भूल जा रहे हैं, बस भल्ले को फ्राई करेंगे। और गोल गोल देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है ना भल्ले पे। और भल्ले ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, दही बड़े, दही भल्ले, आलू चाट और फुल्की सभी को पसंद आता है। तो कोशिश करते हैं घर पे ही बनाएं और बाकी के दही भल्ले बस इसी तेल में फ्राई करेंगे। भल्ले बनाते समय अब तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि भल्ले में ज़्यादा तेल रहेगा ना तो ये अच्छे से फ्राई होंगे। उसके बाद हमने छाछ तैयार की है और छाछ तैयार करके इसमें हम डिप कर देंगे भल्ले को। उसके बाद जब लंच की थाली लगाएंगे तो फिर इसमें दही चटनी वगैरह सब कुछ डालेंगे, यानी जब हम खाना खाने आएंगे तो उसके बाद इसको मतलब बनाएंगे। अभी तो बस छाछ में इसको डुबो के रख दिया है और दही को हमने पतली कर ली है, इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दिया है। तो ये हमारा दही भल्ले की तैयारी हो चुकी है। अब छोले बनाते हैं, कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, सबसे पहले इसमें खड़े मसाले डाले थे उनका फ्लेवर अच्छे से तेल में आ गया है, और चॉप करके जो अदरक लहसुन हरी मिर्ची का हमने रखा था चॉपर से उसको डाल दिया है। इसमें डालेंगे टमाटर, हमने टमाटर 2 बड़े बड़े टमाटर लिए थे, इनको कट करके डाल दिया है और इसको अच्छे से भूनेंगे। डाल दे रहे हैं छोले मसाले, आप अंदाज से डालें, हमने पैकेट से ही डाल दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा भी गिर गया था। बाकी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा किचन किंग डाला है, कोई मसाला नहीं, छोले मसाले से ही असली टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा नमक
नमक डाला है ताकि हमारा टमाटर प्याज मसाला ग्रेवी एकदम से अच्छे से बन जाए। और देख सकते हैं इतना यमी टिमटिम, मतलब तेल छोड़ दिया है ना कि इतना यमी बना था छोले भटूरे कि क्या ही बताएं, खा के आनंद आ गया था। बस चने डाल दिए हैं और जो आलू हमने बॉयल करके रखा था उसको डाल दिया है और बस इसको मसाले के साथ भूनेंगे। गरम गरम पानी डालेंगे ग्रेवी में, ठंडा पानी आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी में न डालें, चाहे जो भी सब्जी है आवश्यकता अनुसार अंदाज से पानी डाल के इसको ढक दे रहे हैं। और देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा छोला, यमी, और कलर आप देख सकते हैं कितना टिमटिम आया है। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दें ढेर सारा, और जितना सुंदर देखने में लग रहा है ना उससे ज़्यादा कहीं सुंदर खाने में था। तो बस छोला तैयार है, हमने सर्व कर दिया है, कढ़ाई से निकाल के बाउल में पलट दिया है। बस भटूरे बनाना शुरू करेंगे और थाली लगाएंगे। भटूरे बनाते समय भटूरे मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि ये भटूरा क्या होता है, मैदा ना सिकुड़ जाता है जैसे हम उठाते हैं, तो हम चकला हिला हिला के, मतलब कह सकते हैं चकले को उठा उठा के फ्राई करते हैं। इसमें जिसमें हमने दही भल्ले बनाए थे बस उसी में भटूरे को फ्राई कर लेंगे। और भाई साहब ना भटूरे इतने, जैसे भटूरे फूलते हैं कहते हैं ना, उसी तरीके से भटूरे फूले थे। गर्मा गर्म थाली लग चुकी है, आप लोग भी आ जाइए। और थाली देख के लालच आ रहा है मुझे, खाने का मन हो रहा है, लेकिन मुझे जो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है भटूरे, बच्चों के लिए बनाया था। बस थाली लग चुकी है और इमली की चटनी ख़त्म हो रखी थी ना, तो जो है हमने केचप डाल दिया था। ये है मेरी थाली, हमने लिया है दही भल्ले, छोले और मिस्सी रोटी होती है ना, हमने वो लिया है, भटूरे नहीं खाए थे। बर्तन आधे से ज़्यादा हमने धुल लिया है, आधा बर्तन अभी धुलने को है, बाकी के बर्तन हमने धुल लिया है टोकरी में, देख सकते हैं। बस लंच करेंगे और देखिए बोल रहे थे ना आधे बर्तन धुले थे, आधे हैं, तो बस आधे बर्तन को धुलेंगे। और आज ना बहुत सारा काम हो गया था, बाकी के रूटीन तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाए, लेकिन मुझे जितना शेयर करते बना, जैसे कपड़े धुलने होता है, छुट्टी के दिन बहुत सारे काम होते हैं, कितना कवर करें कितना छोड़ें, कभी कभी सोचते हैं ना कि कोई और मेरी वीडियो शूट करे तो सारा कवर हो, लेकिन खुद ही काम करो खुद ही वीडियो शूट करो तो नहीं हो पाता। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं शाम के 2। सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। आज सुबह से आप लोगों से अभी बात हो रही है, क्योंकि इतना जो है बिजी आज का हमारा दिन था कि पूछिए मत। और थोड़ी देर अभी आके अपने फूलों के पास, पौधों के पास बैठ रहे हैं, थोड़ी सी धूप ले रहे हैं। आज धूप बहुत ही ज़्यादा हल्की निकली है, सुबह से थोड़ा सा सुबह आए थे धूप में और उसके बाद फिर से काम में लग गए। अभी 2:30 बज रहे हैं, इतना सा ज़्यादा काम था, इतना ज़्यादा काम था कि क्या ही बताएं। एक तो मेरा काम करने का मन नहीं हो रहा था, दूसरे इतना ज़्यादा आज काम इकट्ठा हो गया था। जब मेरी तबीयत खराब होती है मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। ये होता है ना कि आज मेरे लिए कोई खाना पकाए, खाना दे, पानी दे, बस बिस्तर पे बैठे बैठे। लेकिन जिस दिन मुझे जुखाम और मेरी तबीयत खराब रहती है उस दिन सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे कभी बुखार हो तो कोई दवा ला के दे, नाक बहे तो कोई टिश्यू पेपर ला के दे, लेकिन ये सब ना फिल्मों में ही होता है, शायद रियल जिंदगी में नहीं होता है। और आज जो कुछ हमने पूरा दिन किया है आप लोगों के साथ पूरी दिनचर्या शेयर करेंगे। कभी कभी मन बहुत ज़्यादा उदास रहता है, कभी खुश रहता है, मन की मतलब अजीब ही बात है ना। आप लोगों के साथ क्या ऐसा होता है या फिर मेरे साथ ही ऐसा होता है पता नहीं। हमने सोचा चलो थोड़ा मन को फ्रेश करते हैं, चूल्हों के पास आके बैठते हैं। वैसे मुझे कोई खुशबू तो आ नहीं रही है क्योंकि नाक जो है जाम है, लेकिन फिर भी इन फूलों के पास आके ना बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति मिलता है। ये पीछे की दीवार जो है ना बहुत ही ज़्यादा उखड़ चुकी है, बेकार हो चुकी है और दरार भी है पीछे, इसमें बस जुगाड़ लगाया हुआ है किसी तरीके से। और यहाँ पे हमने फूल लगा दिए हैं यहाँ से वहाँ तक पूरी एक क्यारी, और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोगों से बातें भी हो जाती हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है और चाहते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और करेंगे थोड़ी देर आराम, क्योंकि अब शाम में वही चाय वाय बनेगी और क्या शेयर करें, शाम का रूटीन मेरा मन भी नहीं है और जुखाम की वजह से भी कुछ मन नहीं हो रहा है। अब चलेंगे तो 2 घंटे आराम करेंगे, फिर से चाय का टाइम हो जाएगा। मुझे जुखाम हो, मुझे बुखार हो, मुझे पेट दर्द हो, मुझे कुछ भी बीमारी हो, चक्कर भी आए, लेकिन मुझे उठ के बिस्तर से खाना बनाना ही पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ पे रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, भी नहीं छूटा है। मेरा किचन तभी छूटता है जब मैं मायके जाती हूँ, और ससुराल में आके पति के घर आके तो कहीं जाना होता ही नहीं है, बस किचन ही मेरी दुनिया है, किचन ही मेरा संसार है। अब किचन से ही शुरुआत होती है, किचन से ही ख़त्म हो जाती है। किचन में आप लोगों को दिखाते हैं अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा बाहर भी आ जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा आप लोगों का भी, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो बस यही मेरी लाइफ है, यही मेरी दुनिया है जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं।
जो हमारे साथ है। आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। बस जाते जाते एक ही चीज कहेंगे कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सब यही चीज शेयर करते हैं जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो जिनकी लाइफ में होता है, कोई वीडियो में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, इच्छाएं हैं, तो किसी को जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। टिल देन बाय।